हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रियल टेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर में से, या फिर चार को बोलते हैं, मतलब BSNL भी है लेकिन वो तो कंपटीशन से ही बाहर है, तो इन सब में से सबसे बेस्ट कौन है, मतलब उसका सर्विसेज के हिसाब से, प्लान्स के हिसाब से या फिर नेटवर्क के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके पूरा। और ये लेटेस्ट है अभी के लिए, मतलब कि जो लेटेस्ट डेटा आया है, लेटेस्ट मतलब कि रिजल्ट आया है उसके बेसिस पर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और भी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तब। नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में नीचे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ सुधारने की ज़रूरत है, मैं उसको सुधारने का पूरी कोशिश करूँगा। अभी जो हमारा लेटेस्ट रिजल्ट निकल के आया, मतलब कि नेटवर्क के हिसाब से, नेटवर्क क्वालिटी के हिसाब से, वो सबसे बेस्ट आया, मतलब एयरटेल का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, या फिर इंडिया में मतलब पैन लेवल पर मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रेजेंस है 4G, उसका मतलब बहुत अच्छा कवरेज भी है। उसमें सबसे अच्छा साबित हुआ है एयरटेल, उसके बाद VI, उसके बाद जियो, नेटवर्क क्वालिटी के हिसाब से और नेटवर्क प्रेजेंस के हिसाब से सबसे आगे एयरटेल, उसके बाद जियो, उसके बाद VI। ये तो हम लोग जानते हैं कि जियो का हर एक जगह नेटवर्क भले ही मिल जाए लेकिन सर्विस मतलब कि बहुत ही ख़राब, बहुत ही ख़राब। हम लोग सोचते हैं कि स्पीड कहीं भी नहीं मिलता है जियो का, सिर्फ सुबह सुबह मिलेगा या फिर रात में अच्छा स्पीड मिलेगा, बाकी दिन में तो कभी आप भूल जाइए स्पीड का। अच्छा, मैं खुद VI का यूज़र हूँ, कभी जियो पर भरोसा कर ही नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा मिल सकता है स्पीड। उसके बाद आता है एयरटेल, एयरटेल मतलब कि नॉर्मल है, सब जगह आपको अवेलेबल मिलेगा, किसी किसी जगह 4G नहीं मिलेगा, 2G 3G मिल सकता है। स्पीड के मामला में तो स्पीड में सबसे आगे निकल के आया है VI, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद जियो। तो ये तो जाना हुआ ही बात है कि जियो सबसे पीछे रहेगा, और VI का हम लोग का स्पीड बहुत अच्छा मिलता है, भले ही उसका प्लान महंगा हो। उसके आगे भी बात करेंगे कि प्लान कौन सा सस्ता भी सबसे मिल रहा है, किसका भी अच्छा सबसे मिल रहा है। तो अब बात आता है प्लान का, तो प्लान मेरे हिसाब से अभी सबसे बेस्ट दे रहा है VI, जो लेटेस्ट निकल के आया था। मैंने ऊपर एक वीडियो भी डाल दूंगा आई लिंक में, वो जाके आप क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो। वो जो अनलिमिटेड वाला प्लान मिला है रात में, मतलब बहुत सारे लोग जिनको घटता है डेटा वो रात को ही ज़्यादा यूज करते हैं, 12 से 6 में ही, मतलब कि नॉर्मल डे में, डे टू डे लाइफ वो नहीं यूज करते हैं दिन में, रात में ज़्यादा उनको काम भी रहता है। तो ये VI ने बहुत अच्छा काम किया कि मतलब रात में अनलिमिटेड आपको कर दिया गया। प्लान के हिसाब से अगर रैंक करें तो मतलब अब CEO सबसे अच्छा जो रहता था, जियो अब लेने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है। मतलब हम लोग बहुत सारे लेवल पर अगर देखें तो भले ही जियो का प्लान मतलब 100 रुपया सस्ता है, लेकिन 100 रुपया सस्ता लेने का क्या फ़ायदा, मतलब कि नेटवर्क आपको मिलेगा ही नहीं, सब जगह स्पीड मिलेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा वो लेने का। उससे अच्छा बहुत अच्छा ऑफर दिया जा रहा है VI की तरफ से, इसमें आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, मतलब 2GB प्लान अगर भरवा लेते हो, 2GB वाला अनलिमिटेड प्लान, तो उसमें आपको नाइट वाला डेटा फ्री मिलेगा। उसके बाद मतलब जो वीकेंड पर मिलता है पूरे, मतलब कि जो सप्ताह में बचा हुआ रहता है वो आप लास्ट के सैटरडे संडे के दिन भी यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। ये काम जियो और एयरटेल भी कर सकते हैं लेकिन वो लोग करते नहीं हैं। हम लोग का डेटा अगर मंडे का जो बच गया वो बच गया, आप TV को नहीं यूज कर सकते ना सैटरडे संडे को यूज कर सकते हो। तो ये VI की तरफ से नया ऑफर बहुत ही अच्छा निकाला गया है। करें एयरटेल के, तो एयरटेल का प्लान मतलब कि महंगा तो है लेकिन अच्छा, मतलब रिलायबल है, उस पर ये मतलब भरोसा कर सकते हैं कि आपको सब जगह मिल सकता है स्पीड उसका। लेकिन यही बात है कि सबसे अच्छा तो VI साबित हुआ है, मतलब कि नेटवर्क क्वालिटी में भी और प्रेजेंस में भी। तो आप मतलब VI के ही सिम प्रीफर कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब MNP करवा लो, मतलब कि अगर नए लेने जा रहे हो कनेक्शन तो मैं ये कहूँगा मेरे हिसाब से आपको प्रीफर करना चाहिए VI को, अगर आपके एरिया में VI है तब। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी वीडियो आपको इसके रिलेटेड और भी चाहिए आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो लाइक बढ़ता है लेकिन चैनल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा चैनल अभी नया है तो हमारे चैनल को मतलब कि और भी लोगों के पास जाए इसके लिए सब्सक्राइबर बेस जरूरी है, तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।